नए सपने लेकर कॉलेज का सफर शुरू करता है तो कई तरह के शंकाओं और उसके मन में होती हैं। एक अलग जिंदगी की शुरुआत को लेकर कई तरह के सपने होते हैं। तमाम उलझनों से बचने के लिए किन किन बातों का रखा जाना चाहिए ध्यान, इस पर एक रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोवैज्ञानिक अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जानेंगे कि आखिर जो बच्चे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाना चाहते हैं किन किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। आंखों में नए सपने होते हैं, एक नई दुनिया होती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चुनौतियां साथ चलती हैं। अनजान चेहरे मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, अनजानों की भीड़ में अपनों की तलाश होती है, उत्सुकता होती है तो अजीब सा डर भी साथ चलता है। जी हाँ, कॉलेज के शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा ही होता है। स्कूल की जिंदगी से निकलकर जब नए सफर की शुरुआत होती है तो कई तरह के सवाल होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, स्कूल के बाद कॉलेज जाना, ये सोचना भी किसी युवा के लिए रोमांच का अनुभव होता है। लेकिन साथ ही नर्वस होने का जो भाव होता है वो भी छुपता नहीं। नए कॉलेज को लेकर सभी स्टूडेंट्स के मन में ढेर सारी उम्मीदों के साथ कुछ सवाल और डर भी होते हैं। जहां एक ओर अच्छे दोस्त, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छे माहौल की उम्मीद सभी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अकेलापन, अनजानी जगह और रैगिंग का डर काफी स्टूडेंट्स को अंदर ही अंदर डरा देता है। ऐसे में युवा छात्रों को किन किन बातों का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए? तो कॉलेज लाइफ को शुरुआती दिनों से एंजॉय आप कर सकते हैं और आज इसी पर हम आपको कुछ नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे हरियाणा के जरिए। और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। 011-4321-4321 हमारा नंबर है, आप जुड़िए। और जो भी आपकी परेशानी कॉलेज लाइफ को लेकर है या फिर स्कूल से कॉलेज लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो क्या कुछ वहां पर परेशानियां आपको आ रही हैं, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि स्ट्रेस तो खैर देश में, दुनिया में हर जगह है और हर किसी को है, लेकिन हम बच्चों की अगर बात करते हैं स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाने के बाद क्या बदलाव और कितनी परेशानियां जो बच्चों को होती हैं उससे कैसे बचा जाए? हालांकि कुछ चीजें हमने बताई भी, लेकिन क्या कुछ और चीजें होनी चाहिए? जब हम देखते हैं कॉलेज लाइफ में जब हम इंटर करने वाले होते हैं उस टाइम एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से हम देखते हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस तो बहुत कॉमन है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनमें डिप्रेशन के कुछ सिम्टम देखे जा सकते हैं। इन सब से बचने के लिए हम कुछ तरीके हम कॉलेज जाने से पहले हम कर सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस हो रहा है, आप अपने फैमिली मेंबर, अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इन सब से बात कर सकते हैं। अगर कोई सीनियर जो आपके फैमिली में अगर कोई सीनियर है जो कॉलेज पास आउट है, आप उनसे वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। ये सब कुछ चीजें या कुछ टिप्स ऐसे हैं जिससे आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आप खुद मनोवैज्ञानिक हैं और एक प्रोग्राम्स भी आप चलाते हैं, तो उनके जरिए किस तरीके से बच्चों को अवेयर किया जा सके या फिर जो एक डर रहता है, जैसे हमने एक रिपोर्ट देखा भी कि स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ में जाना, एक्सपेक्टेशन फैक्टर आप बता रहे हैं वो भी रहता है, लेकिन कुछ और भी चीजें रहती है, रैगिंग हो गई या फिर नए लोगों से मिलना और एक नए एनवायरनमेंट में काम करना या वहां पर जाकर पढ़ाई करना, उससे बचने के लिए क्या कुछ और? एक्चुअली मैं रैगिंग की बात करना चाहूंगा। रैगिंग बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि इसके लिए हमने एक लॉ डेवलप कर दी तो रैगिंग को इससे रोका जा सकता है, बट मुझे लगता है कि रैगिंग को इस तरीके से रोकना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। रैगिंग अगर रोकना है तो मनोवैज्ञानिक पहलू से भी हमें देखना पड़ेगा और हमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें कॉलेज में करने पड़ेंगे जिससे हम रैगिंग को रोक सके। हमने देखा है कि रैगिंग मोस्टली ऐसे स्टूडेंट करते हैं जहां हमने देखा है कि जब कोई कॉलेज इंटर करता है कॉलेज में तो कुछ बच्चे हैं जहां स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में बहुत अच्छा करते हैं। कुछ स्टूडेंट वहां ऐसे भी रह जाते हैं जो उनको लगता है कि उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो अपना स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते। उनको भी अपना एक ग्रुप मेंटेन करना होता है, उनको लगता है कि मुझे भी अपनी ग्रुप चाहिए और अटेंशन चाहिए किसी दूसरे का। उस अटेंशन को पाने के लिए वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी और रैगिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल, एक ग्रोइंग फैक्टर यानी कि 12th पास आउट है उसके बाद भी फिजिकली ग्रो नहीं होता बच्चा, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है वहां पर कॉलेज में जाने के लिए।
तो इन सारी चीजों को लेकर वहां से वो कैसे, क्योंकि वो भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, उससे कैसे उभरे? वहाँ आप जब जाते हैं तो दो तीन चीजें और आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम देखते हैं मोस्टली जो एडोलसेंट हैं जब वहाँ जा रहे होते हैं तो वो बहुत ही ट्रेंडी बनने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही ट्रेंडी बने और कॉलेज में एंटर करें। मैं उनको सजेशन देना चाहूंगा कि उनको जिस ड्रेस में वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जहां लग रहा है कि हाँ ये ड्रेस मेरे लिए कंफर्टेबल है, वो ड्रेस पहने और वो इंटर करे कॉलेज में। और जब फर्स्ट डे वो इंटर करते तो जैसे आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि हमें वहां फ्रेंडशिप करनी चाहिए, फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए। जब फर्स्ट डे जाते हैं वहां फर्स्ट क्लास वहां आपको अटेंड करनी चाहिए। वहां इंटर करने के बाद जितने भी स्टूडेंट आपके क्लास में हैं आप उनसे बात कीजिए, अपना ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि जब आप बाहर कैंपस में घूम रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जहां कुछ ग्रुप ऑलरेडी पहले से यू नो वहां बैठे हुए हैं। तो आप अगर ये कुछ टेक्निक्स आप अगर यूज करते हैं तो रैगिंग से बचा जा सकता है। बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पूनम जी हैं। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए किस तरीके की परेशानियां आपको नजर आती हैं कॉलेज लाइफ में जाने से पहले। पूनम जी, पूनम जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क हमसे हो नहीं पाया, एक बार फिर कोशिश कर सकती हैं, आप जुड़ सकती हैं, बता सकती हैं और सवाल भी पूछ सकती हैं कि आखिर किस तरीके से कॉलेज जाने से पहले क्या कुछ जो दबाव आपके माइंड में रहता है उससे कैसे उभरे। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, कुछ और चीजें मैं आपसे जानूंगा, उलझनों की बात करें, उलझने बहुत ज्यादा लोगों को आती हैं, बच्चों को आती हैं, या फिर जैसे कि आपने कहा स्पेशलाइजेशन चुनने का वक्त ही शायद वो नहीं होता, 12th पास किया और उसके बाद एक माइंड जो मेकअप करना चाहिए, कुछ लोग कुछ बच्चे करते भी हैं माइंड मेकअप, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माइंड मेकअप ही नहीं कर पाते, जिसका जिक्र आपने पहले किया अभी कि उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? ऐसे बच्चों को हम उस टाइम एट अ टाइम यू नो उसको कंट्रोल कर पाना या उनके बिहेवियर को संभाल पाना काफी डिफिकल्ट होता है। हमें स्टार्टिंग से जब बच्चे स्कूल में जाते हैं उस टाइम उनकी जो एक्टिविटी होती है या उनकी जो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हमें स्कूल टाइम से स्टार्ट करना चाहिए। हम कॉलेज जाने के बाद उसके स्किल्स पे हमें ध्यान देने की जरूरत तो है, लेकिन वहां हम उसको हम बहुत अच्छे तरीके से निखार नहीं सकते। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए स्कूल टाइम में ही उनके स्किल्स को डेवलप करें। अगर उनको लगता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है या यू नो बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम लाइक छोटे बहुत छोटे छोटे से क्राइम्स हैं जो स्कूल में आजकल होते हैं या कोई ऐसा बिहेवियर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अनएथिकल है या बिल्कुल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनको वही दूर करनी चाहिए जिससे वो अपने उनके जो चिल्ड्रन है जो जब कॉलेज आएंगे तो उनको एक स्किल्स डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी और एक बिहेवियर पैटर्न उनका हम बहुत ही स्मूथ और हेल्दी देख पाएंगे।